देखते देखते टाइम आ चुका है एंड हियर इज द लास्ट सीरीज ऑफ पोकेमोन। यस आई एम टॉकिंग अबाउट पोकेमोन एम टू बी ए पोकेमोन मास्टर। आई डोंट वांट टू से दिस बट यार तुम लोग ऑलरेडी पता है दिस इज द लास्ट जर्नी विद एश एंड पिकाचू। लास्ट वाला जर्नी हम लोग देखने वाले हैं, वन लास्ट टाइम एक साथ दोनों को देखने वाले हैं, वन लास्ट टाइम एक साथ कुछ मोमेंट्स इंजॉय करने वाले हैं हम लोग। और जब ये लास्ट एनिमे अनाउंस हुआ था तब भी जाके मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था और प्रॉमिस किया था जब ये एनिमे आएगी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और मेरे को पता था तुम में से बहुत सारे लोग शायद इसके बारे में भूल भी चुके शायद मोस्ट प्रोबली, तो आई होप इस वाली वीडियो से तुम लोगों को याद आ गई। एंड या मैं चाहता हूँ तुम में से सारे के सारे लौंडे ये सीरीज देखे यार, बिकॉज बचपन में कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे तुम लोगों ने पोकेमोन एंजॉय किया। आई डोंट नो यहाँ पर तुम लोगों ने कितनी दूर तक देखा, कहाँ पर ड्रॉप किया, कहाँ पर देखना छोड़ दिया, इट डजंट रियली मैटर। बट द मैटर इज क्या तुम एंड तक रहोगे या फिर नहीं। 11-13 एपिसोड शायद आएंगे, मतलब समझ लो 3 महीने की जर्नी। देन वी आर गोना से गुड बाय टू एश एंड पिकाचू। और चलो यहाँ पर एपिसोड के बारे में डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू टेल अबाउट द मोस्ट ट्रस्टेड गेमिंग ब्रांड लोटस 365, जिनके ब्रांड एम्बेसडर है काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड उर्वशी राउतेला। लोटस 365 इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट गेमिंग कंपनी जो 2015 से एक्टिव है। यहाँ पर तुम लोग को अपडेट मिल जाएगा क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस एक्सेट्रा। यहाँ पर तुम लोग 1000 से ज्यादा लाइव गेम्स खेल के जीत सकते हो अमेजिंग रिवॉर्ड्स। लाइव क्रिकेट फुटबॉल मैच का डेली विनिंग टीम प्रेडिक्ट करो, डेली नाम जीतो भाई। लोटस 365 तुम लोग को फास्टेस्ट विथड्रॉल प्रोसेस ऑफर करता है, जहां पर तुम जीते हुए पैसे एकदम से इंस्टेंटली अपने अकाउंट पे विथड्रॉ कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पर लोटस 365 में तुम लोग लाइव मैचेस भी देख सकते हो। You also get the best offers and promotion on this platform. और यहाँ पर एक और बढ़िया चीज है, यहाँ पर 1-to-1 24/7 customer support है तुम्हारे लिए। तो भाई किसके लिए wait कर रहे हो? Play now and avail multiple bonus offers with exciting giveaways like iPhone 13, Royal Enfield, Samsung Galaxy S22 Ultra and many more, bro. Comment section में link दे दिया, वहाँ पर जाओ और खेलना start करो। Now back to the video. और यहाँ पर ये video recording करने के 2 घंटे पहले मैंने first वाला episode देखा, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। First episode was so good. First episode के शुरू में हम लोगों ने देखा Pikachu एंड एश को एक ही साथ। एपिसोड की स्टार्टिंग वाज सो गुड, हमेशा की तरह पिकाचू और एश के बीच में चलता रहता है जो हम लोग बहुत पहले से देखते हुए आए। स्टार्टिंग देख के लग रहा था कि या आई एम गेटिंग द वाइब। और स्टार्टिंग के 1 या 2 मिनट के बाद जो इंट्रो आया ना भाई, इस इंट्रो ने मेरा दिल जीत लिया। इंट्रो जिन लोगों ने देखा एपिसोड उनको पता है कितना बढ़िया था, नॉस्टैल्जिया था। उन लोगों ने जानबूझ के ऐसा इंट्रो दिया कि चल भाई तेरे को नॉस्टैल्जिया फील कराएंगे हम लोग। यार सच्ची बता रहा हूं, इंट्रो के अंदर मेरा पूरा बचपन था। इंट्रो के बाद जो मोमेंट्स जो सीन्स हम लोगों को दिखाई दिया वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया था। फनी कुछ मोमेंट्स थे, हम लोगों को दिखाया गया एश की मॉम को और उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा प्रोफेसर को। पर्सनली मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और एज ए पोकेमोन फैन आई होप यू ऑलरेडी नो, जब पोकेमोन के अंदर सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, एकदम शांति शांति होती है, काम रहती है, तब भी जाके एंट्री हो जाती है वन एंड ओनली टीम रॉकेट की। भाई मैंने इन लोगों को मिस किया, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मेरे को लग ही रहा था फर्स्ट एपिसोड में आएंगे और एंट्री ले ली। भाई साहब इनकी एंट्री हमेशा से बेस्ट होती है यार। एज यूजुअल वो लोग पिकाचू के पीछे पड़ जाते हैं, बट हम लोगों को रिजल्ट पता है कि एंड में क्या होता है। इट्स नथिंग न्यू भाई, हम लोग सालों से बचपन से देखते आ रहे हैं एंड वी आर यूज्ड टू इट। इस सीरीज के बाद आई एम गोना मिस टीम रॉकेट ब्रो, आई डोंट नो ये लोग रहेंगे भी या नहीं। एंड दैट्स द पार्ट आई लव द मोस्ट अबाउट दिस एपिसोड भाई साहब, जस्ट लुक एट दिस। मजा सा गया भाई। पोकेमोन वालों ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि इस सीजन के हर एक एपिसोड के अंदर तुम लोगों को नॉस्टैल्जिया फील करवाएंगे। और इसके बाद एंट्री होते वन एंड ओनली लाटियस की। भाई आके एकदम से पानी में गिर जाती है, ऐश आता है, ट्रीट करता है, सब लोग आते हैं। मेरे को ये अच्छा लगा, ऐश हमेशा की तरह पोकेमोन के लिए बहुत ज्यादा ना फिकर करता है एकदम। दैट वाज गुड यार, ऐश वहां पर उनको ट्रीट कर रहा था। ऊपर से रात में फिर से हम लोग देखते हैं वन एंड ओनली जो कभी हार नहीं मानते हैं टीम रॉकेट ऑन सिगेन लेजेंडरी पोकेमोन चोरी करने के लिए आ जाते हैं यहाँ पर। हम लोग टीम रॉकेट वर्सेस एश पिकाचू फाइट वाइट देखे, बट एज यूजुअल भाई लाइफ में जो भी हो जाए कभी गिव अप नहीं करना है और ये मोटिवेशन टीम रॉकेट से ले लो यार। आई लव द पार्ट जब पिकाचू 1000 वोल्ट यूज करता है एंड लैटियस गिरने लगती है एंड तभी जाके एश की एंट्री। भाई दैट वाज गुड, लैटियस भी एकदम देखती रह गई भाई, दैट वाज सो नाइस। शुरू में जाके हमको ये देखने को मिला कि लैटियस वाज काइंड ऑफ स्केयर्ड, बट या बाद में जाके ठीक हो गई। एंड एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने देखा लैटियस वाज फॉलोइंग एश एंड पिकाचू, ऐसी फॉलो करती रहेगी एंड आई होप कि वो लास्ट में ज्वाइन कर ले। एपिसोड के शुरू से लेके एंड तक मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया एपिसोड था यार। में काम फनी मोमेंट्स थे, थोड़े बहुत फाइट हुए, टीम रॉकेट को भी दिखा दिया। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोग कुछ और भी बढ़िया चीजें देखने वाले। मैं हर एक एपिसोड के ऊपर तो वीडियो नहीं बनाऊंगा, फर्स्ट बना रहा हूँ और मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट एपिसोड के ऊपर एक वीडियो मेरी आएगी। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक ही रीजन था, तुम लोगों को बताना तुम्हारा जो बचपन वाला फेवरेट कार्टून एनिमे जो भी है वो खत्म होने जा रहा है, लास्ट सीरीज है, तो मेक श्योर तुम इसको एंजॉय कर रहे हो। बाकी मेरे को पता है वीडियो बहुत शॉर्ट है, मैंने ऑलरेडी बताया क्यों बनाया, बट अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार दबाओ लाइक बटन। इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर तुम सब्सक्राइब कर रहे हो, सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो घंटा उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। और हाँ, एक न्यू व्लॉग आई मेरी लाइफ ऑफ एनी ट्यूबर बोल सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वो वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।